ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। अब आप सभी लोग को पता हो गया, लास्ट टाइम जो डायमंड कैसीनो का ओनर है उसने लॉस सैंटोस पर अटैक करवाने के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाया था, यानी कि वो टेररिस्ट को बहुत ज्यादा पैसे दे रहा था लॉस सैंटोस पर अटैक करवाने के लिए। तो वो जो मालिक है वो माइकल का दोस्त ही था, आपको याद होगा। तो यहां पर उस अटैक को फेल करवाने के लिए और डायमंड कैसीनो में रोबरी करने के लिए लेसो ने एक बहुत ही तगड़ा प्लान बनाया था, जिस प्लान में उसने सबसे पहले फ्रैंकलिन को उनके एरिया में भेजा था सीक्रेट पता करने के लिए। लेकिन यार फ्रैंकलिन उल्टा वहां जाके फंस गया था, बट माइकल एंड ट्रेवर जाकर उसे बचा आए थे और काफी बुरी हालत में था फ्रैंकलिन, आपने देखा ही होगा, बट हमने उसे बचा लिया था। और साथ के साथ टेररिस्ट का एक बहुत ही तगड़ा टॉप सीक्रेट व्हीकल भी चुरा लिया था। और हां गाइस, आज मुझे ट्रेवर का भी कॉल आया था। ट्रेवर कह रहा था कि उसके पुराने वाले घर पर जब वो गया था कुछ सामान लेने, उसके अपने कुछ कपड़े थे, तो वहां पर ना उसका घर जो पूरा का पूरा तोड़ फोड़ दिया था। और आसपास के लोग बता रहे थे कि बेलास गैंग के बंदे आए थे तेरे को मारने के लिए, लेकिन तू यहां पर था नहीं क्योंकि ट्रेवर को नया घर भी ला दिया है, इसलिए और बच गया, वरना शायद से बेलास वालों से वहीं पर मार के चले जाते। तो काफी सही हो गया, लेकिन अभी बेलास वालों से भाई मतलब कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो पिटने वाले हैं बस हमसे। अब यहाँ पर वो जो व्हीकल है ना, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कितना ज्यादा बढ़िया लगता है। अभी फिलहाल ना मैंने उसे अपने गैराज में छुपा कर रखा हुआ है। अगर मेरे हिसाब से इसको पुलिस देख लेगी तो शायद से पुलिस अलाउ नहीं करेगी और हमें उल्टा पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि इस व्हीकल में यार बहुत तगड़े तगड़े ना वेपन्स लगे हैं। ऊपर भी इतना तगड़ा वेपन लगा है, नीचे भी इतना तगड़ा वेपन लगा है। कोई भी गाड़ी अगर पुलिस वाले के सामने आएगी हम यूं चुटकियों में फोड़ सकते हैं। और यहां पर राइट में अपनी लैम्बोर्गिनी टायर्स भी देख पा रहे हो लेफ्ट में। अब यहां पर ना सबसे पहले मैं आपको अपना शोरूम दिखाना चाहता हूं, और आज लेस्टर ने हमें दूसरी चीज और बताई है, मतलब कि हमें ना शाम होने का इंतजार करना है और लेस्टर ने अपने घर पर एक बारी और मिलने के लिए बताया है। आज का वो प्लान बताएगा डायमंड कैसीनो की रोबरी हमें कैसे करनी है, क्योंकि मेन हमें ना उसकी पेमेंट रोकनी है। अगर डायमंड कैसीनो का जो ओनर है पेमेंट कर देगा टेररिस्ट को, तो भाई टेररिस्ट अटैक कर देंगे सीधा, और भाई अटैक हमें रोकना है कुछ भी करके। बट उससे पहले मैं आपको अपना शोरूम दिखाना चाहता हूं, क्योंकि शोरूम के अंदर कुछ नया काम हुआ है बहुत तगड़ा। अब यहाँ पर जो गेट है ना वो लगने हैं, और आपको एक चीज बता दूं कि जो अपने शोरूम का ग्राउंड फ्लोर था वो मैंने अनलॉक कर दिया, मतलब कि कोई भी आ सकता है। इस टाइम पर मैं व्हीकल बेच नहीं रहा हूं, लेकिन सिर्फ अभी बंदे लोग जो है देखने आ सकते हैं, जब पूरा का पूरा एकदम सब कुछ हो जाएगा तब खरीद के भी ले आ सकते हैं। अभी यहाँ पर सबसे पहले ट्रेवर को कॉल कर यहीं पर बुला लेता हूं, क्योंकि ट्रेवर को भी लेकर जाना है लेस्टर के घर पर, क्योंकि लेस्टर आज रोबरी से रिलेटेड प्लान बताने वाला है। डायमंड कैसीनो की रोबरी होने वाली है, बहुत ज्यादा बढ़िया सीन है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो भाई काफी सारे लोग आकर गाड़ी देख रहे हैं, मतलब कि एक से एक कार हमने खड़ी कर रखी है, और यहाँ पर पूरी की पूरी भीड़ ही लगी है पहले दिन में। अभी फिलहाल मैंने फर्स्ट फ्लोर पे अलाउ करा है, और सामने आप देख पा रहे हो ये अपना मैनेजर, मतलब कि मैं नहीं बैठने वाला यहाँ पर, हमने अपना मैनेजर बैठा दिया। ये हमें बताएगा कौन सी कार बिक रही है, कितने की बिक रही है, सब कुछ ओके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बॉडी गार्ड्स मैंने थोड़े बहुत खड़े कर दिए, मतलब कि अभी 6-7 बॉडी गार्ड ही हैं, क्योंकि अभी फर्स्ट फ्लोर की सिक्योरिटी मैंने रखी है, अभी टॉप फ्लोर की नहीं रखी। तो जब ऊपर वाले फ्लोर पर भी बंदे लोग जाएंगे तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड रख देंगे। आपको एक बार ना ऊपर वाला फ्लोर मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस करे हैं। तो आप एक तो ये देख पा रहे हो जिस पर मैं चल रहा हूँ इसके ऊपर मैंने मैट बिछवा दिया, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। पहले क्या था वही लकड़ी वाले बोर्ड थे, जो भी मतलब स्टील वाले काफी बेकार लग रहे थे, लेकिन अब देखो ये मैंने पूरा का पूरा मैट बिछवा दिया। काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई इसको ठीक करो ये घटिया लगता है, तो यहाँ पर अभी एकदम परफेक्ट हो चुका है ये। और टॉप फ्लोर पर जो बाइक थी मैंने पहले कुछ अलग एंगल में रखी थी, लेकिन इस बारी मैंने थोड़े ना एकदम अलग में पूरी रो में रख दी है, आप कॉलम में रख दी है, तो यहाँ पर काफी सारी बढ़िया सी लग रही है देखने में भी। तो चलो अभी नीचे चलते हैं फटाफट, फालतू टाइम नहीं है, फालतू बातें नहीं करनी, क्योंकि भाई अभी लेस्टर के घर पर भी जाना है और काफी सारे और भी काम करने हैं। बाकी ये जो गैलरी है यहाँ से भी काफी अच्छा व्यू आता है, देख पा रहे हो जैसा कि आप। तो चलो भाई ड्राइवर अपना वेट कर रहा होगा, अभी देर हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो गाइस अभी मैं अपने ग्राउंड फ्लोर पर आ चुका हूँ, और यहाँ पर ना मुझे एक चीज का और सेटअप करना है, मतलब कि सीसीटीवी तो लग गए हैं, लेकिन सीसीटीवी के लिए एक मेरे को ना सिक्योरिटी रूम बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर वो सारे कंप्यूटर्स रहेंगे, मॉनिटर रहेंगे, जिसके अंदर पूरी सीसीटीवी की फुटेज आएगी, और उसके अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड जो है और बैठाएंगे। तो सब कुछ होगा, टेंशन मत करो। अभी तो फिलहाल शोरूम खुले लगभग 4 दिन हुए हैं, तो मतलब एकदम सब कुछ नहीं जल्दी जल्दी हो रहा है। सिक्योरिटी गार्ड आ गए, गाड़ियाँ आ गई, पूरा का पूरा बन गया है अभी भी, लेकिन इस शोरूम के अंदर बहुत कुछ होना बाकी है। तो मुझे ऐसा नया क्या ऐड करवाना चाहिए कमेंट में जरूर बताना। और एक गाड़ी इतनी तेज भागती है ना कसम से समझ नहीं आता कमेंट्री करो कि इस गाड़ी को संभालू। तो गाइस अभी फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं यहां पर, और हमें आगे कहां पर जाना है भाई? ओके, तो ड्राइवर जो है हमारा आगे की तरफ में वेट कर रहा है कॉल पर, उसने बताया था, देख लेता हूं। ओके, तो अभी हम पेट्रोल पंप पर आ चुके हैं और ड्राइवर ने यहीं पर आने के लिए ओके तो ये खड़ा है ड्राइवर, देख लो भाई टाइम पास कर रहा है, नहीं ठोक रहा भाई जल्दी गाड़ी में, इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। इसके पास में गाड़ी ले गया उल्टा डर ही गया मेरे से। अब देखो भाई सब गाड़ी का साउंड देखो, स्पीड देखना भी, बस तुम हल्की सी रेस दे दो ओ भाई अभी तो की जाता मैं इससे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आगे से राइट मोड़ते हैं और फटाफट से लेस्टर के घर पर चलते हैं। मुझे देखना है भाई लेस्टर को आज कौन सा प्लान बताने वाला है, क्योंकि आपको पता है लेस्टर के जो रोबरी से रिलेटेड प्लान होते हैं
बहुत ही ज़्यादा तगड़े होते हैं। तो आज का प्लान सुनने के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखते हैं भाई क्या सीन होगा। मतलब कि यार डायमंड कैसीनो की रोबरी बहुत तगड़ी हो सकती है, क्योंकि एकदम अलग ही यूनिक सी जगह है। ओके गाइस, तो फिलहाल अभी हम पहुंचने वाले हैं लेस्टर के घर पर। मतलब कि ना मैं लेस्टर के घर का रास्ता कभी कभार भूल जाता हूं। तो देखो अभी मैं आज दूसरे पीछे वाले रोड से आया हूं, वरना मैं हमेशा आगे वाले रोड से आता हूं। और यहां पर इसका रोड कैसा सा है भाई, देखो इसीलिए मैं लैम्बोर्गिनी टायर्स नहीं चलाता। इस टाइम पर गली में जितना भी कूड़ा कचरा पड़ा है सारा का सारा इस गाड़ी में अड़ रहा है। अभी फटाफट चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं लेस्टर क्या कर रहा है और आज का जो प्लान है वो क्या है, कैसा प्लान है, कितना तगड़ा प्लान है और क्या क्या सीन है भाई। वैसे पुलिस तो पीछे पड़ेगी क्योंकि डायमंड कैसीनो बहुत तगड़ा है। ओके, तो अभी अंदर चलकर देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पर लेस्टर का ना एक ये वाला रूम है, मैं कभी इस रूम के अंदर गया नहीं और लेस्टर ने कभी ये अनलॉक नहीं करा। पता नहीं क्या सीक्रेट्स हैं इस रूम के अंदर जो ये अनलॉक नहीं करता। देख लो भाई लेट के लैपटॉप चला रहा है। तो ओके, तो गाइस यहाँ पर अभी भैया कम से कम 15 मिनट लेने के बाद लेस्टर ने हमें पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है प्लान अपना। तो भाई प्लान बहुत ज्यादा तगड़ा है, अभी प्लान मैं आपको बताने नहीं वाला वरना पूरा का पूरा सस्पेंस जो है ना खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लेस्टर ने बोला कि तुम्हें अपने सबसे पहले कपड़े बदलने हैं। ओ भाई भाई अबे भाई ईंट पड़ी हुई थी क्या रोड पे, ये इसका रोड बड़ा बेकार है भाई लेस्टर का। मतलब रोड अच्छा है इस गाड़ी के लिए बेकार है भाई, इसीलिए मैं वाली कार जो है ना इससे नॉर्मल रोड पे चलाता हूँ, यही बढ़िया चलती है। बाकी एकदम पतली पतली गली में कूड़ा कचरे पड़े रहता है और बेकार चलती है वहाँ पे। अभी फिलहाल लेस्टर ने मैं बोला कि सबसे पहले तुम्हें एकदम ना ऐसे कपड़े पहनने की पुलिस वाले तुम्हारे बॉडी का एक पार्ट तक ना देख पाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ना कोई शॉप ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ पर काफी देर बाद जाकर मुझे एक कपड़ों की दुकान मिली है। मतलब यार ओ बे भाई कितनी पुरानी सी दुकान है, मैं नहीं जा रहा इसके अंदर भाई, सेकंड हैंड मान लीजिए। ओ ये ओ भाई उल्टा कैसे बोल रहा है, ये पिटेगा इधर तेरी भैंस की डांग। अबे मैं शॉप में इधर तेरी निकल यहाँ से, मैं शॉप में जा रहा हूँ, मैं शॉप में जा रहा हूँ मैं। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, इसको पता नहीं क्या किला समझ गया है। तेरी शॉप है क्या जो इतना चौड़ा हो रहा है, ले ओ भाई ड्राइवर को। अरे ये कहाँ से आ गए इसके दोस्त यार, तेरी ऐसी की तैसी भाई, मुंह पे घुसा मारा टोपी नीचे गिर गई, निकल 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 तेरी ऐसी की तैसी भाई। सब बदमाश बन रहे बीच रोड में, इसको देखो वाइट वाले को। बेटा अभी एक गन निकाल दी ना ऐसा भगेगा ना ये। अभी मैंने गन दिखा नहीं रहा क्योंकि मैंने पीटना चाहता हूँ। चल तेरी ऐसी की ओ भाई क्या पड़ा है इसके मुँह पे, संटी सी पड़ी है। ले भाई ड्राइवर तो भाई घुस घुस के लाते मार रहा है भाई, बहुत ही बुरी वाली। तो चल भाई छोड़ अभी ड्राइवर बैठ जा, मतलब एकदम बीच पब्लिक में फाइट कर रहे हैं। अच्छा हो कि पुलिस वालों ने नहीं देखा, और ये जो एरिया है ना यहाँ पर पुलिस बहुत कम दिखती है। अगर अभी माइकल के घर के बाहर एक बंदे के थप्पड़ भी मार दो ना भाई साहब, तुरंत पुलिस आ जाती है। लेकिन इस एरिया में बहुत कम है, यहाँ पर एक आध की गोली बजा देते हैं ताकि पता तो चलना चाहिए कि हाँ भाई माइकल ड्राइवर आए हैं। तो चलो गाइस अभी मैं गोली बजा के भाग गया हूँ। और यहाँ पर ना अपनी गाड़ी जो यार देखो रेड लाइट पर खड़ी हुई कितनी ज़्यादा तगड़ी लगती है। और मेरे को ना अभी कोई भी शॉप मिल नहीं रही, मैं मार्केट में गया था, मार्केट भी पूरी की पूरी बंद पड़ी थी। अभी फिलहाल मैं एक बहुत ही तगड़े शोरूम पर जा रहा हूँ जो कि मेरे हिसाब से लॉस सैंटोस का सबसे तगड़ा शोरूम है। और यहाँ पर इस एरिया में सारे के सारे बढ़िया बढ़िया शोरूम है। अरे भाई वो गेट कैसे खोला इसने गाड़ी का, इसकी ऐसी की तैसी भाई साहब, मेरे से भिड़े गए, गाड़ी गंदी कर दी भाई इसने, गेट किससे पूछ के खोला है भाई। इधर आइयो इसके मुंह पर घुसता तेरी ऐसी जैसी, गेट किससे, अबे भाई बजूका निकाल दी मैंने, भग जाओ ऐसे भग जाओ। ओके, तो भाई ड्राइवर भी गुद्दी पे रैपटे मार मार के भगा रहा है कि चले जाओ वरना अभी मौज से मिला देंगे हम तुम्हें। भाई मतलब क्या यार उस बंदे को ऐसी क्या किलस मची, मतलब इस एरिया में हम गाड़ी नहीं चला सकते ना, तो उसने भाई गेट ही खोल दिया हमारी गाड़ी का भाई, एकदम अलग ही नशे है। शोरूम का नाम सब अर्बन है, तो मुझे देखना है कैसा सा है, काफी टाइम पहले मैं यहाँ पर आया था। ओके, तो ये देखो लेफ्ट वाला जो शोरूम है बहुत ज़्यादा तगड़ा है, और अभी यहाँ पर हमने थोड़ी सी लड़ाई करी थी इसलिए पूरा की पूरी मार्केट खाली होगी, वरना यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। और यहाँ पर मेरे को लग रहा है हर टाइप के कपड़े हमें मिलने वाले, तो हमें एक ऐसे कपड़े पहने जिससे हमारा पूरा का पूरा शरीर ढक जाए। तो यहाँ पर कोई भी कपड़े समझ नहीं आ रहे। ओके, तो सामने जैकेट्स है, जैकेट्स ले लेते हैं। तो गाइस जैसा कि भी आप देख पा रहे हो माइकल और ट्रेवर दोनों ने कुछ इस टाइप के कपड़े पहन लिए, एकदम ब्लैक कपड़े पहन लिए हैं, और यहाँ पर एक बैग भी खरीद लिया है अभी। लेकिन ना हमें यहाँ पर इनकी दुकान पे ना कोई भी मास्क नहीं मिला जिससे हम अपना मुंह ढक पाए। भाई मुंह ढकना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी मेरे को मास्क की शॉप पर जाना पड़ेगा। तो वो जो मास्क की शॉप थी वो मैंने लास्ट टाइम ना लॉस सैंटोस के बीच में देखी थी जहाँ तक मुझे याद है, बस वो शॉप जो है ना बंद ना हो गई हो। चलकर देखते हैं वहाँ पर हमें अपने मतलब का मास्क मिलता है या फिर नहीं मिलता। और यहाँ पर ये जो पब्लिक एरिया में गाड़ी चलाने का मजा, गाड़ी भगाने का मजा आता है। देखो सारे बंदे ऐसे डर डर के भागते कि भैया ठोक ना दे, एक तो गाड़ी इतनी खतरनाक है पूछो मत। तो चलो गाइस अभी हम मास्क की शॉप पर आ चुके हैं, और इसके पास तो भाई सारे मास्क अवेलेबल है। चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं कौन सा मास्क हमें लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाले तो मेरे पास पड़े हैं, ये वाला बंदर वाला मेरे पे पड़ा है, ऊपर वाले नहीं पड़े। तो ये मैं ओके 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 भाई ये देखो ये वाले बढ़िया थे, रे मिस्टीरियो वाले सारे के सारे बढ़िया लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये मास्क जो है मैंने परचेस कर लिया है। अभी मास्क जो है ना मैं अभी पब्लिक एरिया में नहीं पहनने वाला, मतलब यार पागल थोड़ी है, सारे के सारे हमें
चोर समझेंगे अगर यहाँ पर उन्होंने मास्क पहन लिया, तो जब रोबरी करने जाएंगे ना ये मास्क तभी पहनेंगे। और इसकी शॉप पे यार लगभग हर टाइप के मास्क अवेलेबल है, मतलब एक से एक बढ़िया से बढ़िया है। तो यहाँ पर और कभी आएंगे और ढंग से देख कर जाएंगे यार क्या क्या बाय करना चाहिए। अभी तो फिलहाल मैंने टेम्परेरी एक नॉर्मल सा मास्क बाय कर लिया जिससे अपना पूरा पूरा एकदम फेस ढक जाएगा, बस आँख दिखेगी और नाक का एरिया बचेगा सांस लेने के लिए। तो भाई बहुत तगड़ा। और इसको देखो भाई साहब, जी को गाड़ी पसंद आ गई फोटो खींचने आ गए। लो भाई साहब ये देखो, यही तगड़ी इज्जत होती है तगड़ी गाड़ियों की। अब यहाँ पर फटाफट यहाँ से निकाल लेते हैं अपनी कार को और चलते हैं भाई। अभी शाम होने का थोड़ा सा इंतजार करना है, फिर हम जाएंगे रॉबरी करने, क्योंकि लेस्टर का जो प्लान अभी आपको पता चलते जाएगा। क्योंकि प्लान सुन के मैं इतना ज़्यादा हैरान हूँ ना, मुझे बताने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप डायरेक्टली प्लान देखो कि आगे आगे होता है क्या। तो गाइस अभी दिन से हम गाड़ी घुमा रहे हैं, लगभग 2 घंटे तक हम इधर उधर चिल मार रहे थे, लेकिन अभी जो है शाम के 7 बज चुके हैं, थोड़ा बहुत अंधेरा होने वाला है। और यहाँ पर लेस्टर की भी कॉल आ गई थी कि अभी हमें तुम्हें जो है काम करना स्टार्ट कर देना है। तो अभी मैं उसी सीक्रेट एरिया पर आ चुका हूँ जहाँ पर लेस्टर ने बोला था कि हमने तुम्हारे लिए एक सीक्रेट हेलीकॉप्टर रखा हुआ है। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर किस लिए रखा है वो भी अभी आपको बताता हूँ। तो अभी ना हम डायमंड कैसीनो में कहाँ से एंट्री लेंगे, उसकी छत से। अब उसकी छत पर हम क्या करेंगे, हेलीकॉप्टर ले जाएंगे और चलते हेलीकॉप्टर से जंप मार देंगे, पैराशूट लेंगे और उसकी छत पे कूद जाएंगे। वहाँ से अंदर एंटर होंगे और जो रास्ता लेस्टर ने बताया उसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे। तो देखो भाई कितना तगड़ा हेलीकॉप्टर है, पता नहीं कहाँ से अरेंज करवाया लेस्टर ने वाला हेलीकॉप्टर। वैसे लेस्टर की ना बहुत ही बड़े बड़े गैंगस्टर से भी बातचीत है, जैसे हमसे भी बातचीत हो गई। अभी फिलहाल हम गैंगस्टर तो बहुत बड़े हैं लेकिन नाम हमारा बहुत कम है, और अगर एक बार नाम बन गया ना तो पुलिस से भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए अच्छी बात है नाम नहीं बन रहा। तो एक तो ये ड्राइवर आने में ना इतनी ज़्यादा देर लगा देता, पूछो मत, मतलब कि कभी कभी तो एकदम तेज भाग के आता है, कभी कभी 3 साल लगा देता। तो अभी फटाफट बैठते हैं हेलीकॉप्टर के अंदर, और इस टाइम पर पायलट मैं बनूंगा हेलीकॉप्टर का, को पायलट ड्राइवर को बनाए थे क्योंकि मुझे इस पर विश्वास नहीं है कि ये कैसा उड़ाने वाला है। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं जंप करूंगा इस हेलीकॉप्टर से, उसके बाद जो है ड्राइवर लैंड करवा कर आ जाएगा या फिर जंप कर आ जाएगा, जो भी है वो ड्राइवर अपना देख लेगा। लेकिन हाँ ये है कि ड्राइवर को मेरे साथ आना पड़ेगा, और अभी हमें अपने फेस पे मास्क भी पहनने हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी फटाफट चलते हैं। वो देखो वो रहा सामने की तरफ डायमंड कैसीनो, तो अभी हमें कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है, सीधा डायमंड कैसीनो के आगे हेलीकॉप्टर ले जाना है और जंप मार के उसके अंदर एंटर होना है रूफटॉप से। तो गाइस काफी देर हेलीकॉप्टर घुमा लिया, लेकिन अब टाइम आ चुका है भाई जंप मारने का। तो ये भगे, ओ भाई साहब कितनी तेज नीचे जंप गई, और भाई डायमंड कैसीनो यहाँ से थोड़ा दूर था, मैं पहुंच पाऊंगा मुझे लग नहीं रहा। और यहाँ पर भाई लेस्टर ने भी अपनी कमांड्स देना शुरू कर दिया है। अब लेस्टर की अच्छी बात यह है ना कि वो हमें एक के बाद एक चीज बताता जाएगा कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, सब कुछ बताएगा। तो अभी हमें ना टेंशन बहुत कम है, हमें बस लेस्टर की कमांड फॉलो करनी है, क्योंकि भाई उसे ए टू जेड पूरी दुनिया का पता है, तो इसलिए हम उसकी ज्यादा बात मानेंगे। अभी फटाफट मैं यहाँ पर डायमंड कैसीनो पर आ तो चुका हूँ, ओके। तो अभी अंदर चलकर देखते हैं। सबसे पहले लेस्टर कह रहा है जितने भी सीसीटीवी है उन्हें डिसेबल मारो, तो ये रहा, सीसीटीवी से डिसेबल मार देता हूँ। और यहाँ पर ड्राइवर भी ऊपर छत पर हेलीकॉप्टर लैंड करवा कर आ गया, काफी सही है। और यहाँ पर इनका एक पासवर्ड लगा था, पासवर्ड भी क्रैक कर दिया था क्या ड्राइवर ने? ओके, तो गाइस यहाँ पर पासवर्ड भी क्रैक करने का दिया था हमें लेस्टर ने, ड्राइवर को दे रखा था। और यहाँ पर अभी हम ना उनके होटल एरिया में आ रखे हैं जहाँ पर कि लोग रुकते हैं ना। देखो भाई 518 रूम है, यानी 5th फ्लोर है और 16th रूम है, मतलब कि यार बहुत ही तगड़ा इन्होंने अपना कैसीनो बना रखा है ऊपर से भी। अभी यहाँ पर जितने भी रूम है ना उन सभी के अंदर बंदे रह रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, तो मैं ना चुपचाप से ना बस सीढ़ियाँ ढूंढनी है जिससे हम नीचे वाले फ्लोर पर जा पाएं। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक लेस्टर का कहना था कि इनका जितना भी पैसा है ना वो सारा सारा बेसमेंट पर, और यहाँ पर दो लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो एक आध बंदे को गिरा दूंगा। लेकिन उससे पहले ना सीसीटीवी डिसेबल करने बहुत जरूरी है। तो सामने एक सीसीटीवी आप देख पा रहे हो, इसको डिसेबल करता हूँ, तेरी ऐसी कि तैसे निकल यहाँ से। ओके, सीसीटीवी गैस को भी मारना पड़ेगा फटाफट से, वरना ओके बढ़िया भाई एकदम सही टाइम पर इन्हें मारा, एकदम साइलेंटली की लोग, किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि सीसीटीवी डिसेबल है, किसी को नहीं पता चलने वाला। और यहाँ पर ये वाली लिफ्ट जो है ये भी क्रैक कर दिया शायद से ड्राइवर ने, भाई जितने भी क्रैकिंग का सामान था ना वो सारा का सारा ड्राइवर को दिया, मतलब मेरे को देता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो अभी हम 5th फ्लोर पे हैं, हमें पता नहीं बेसमेंट में जाना है या फिर ग्राउंड फ्लोर पे जाना है। वैसे ग्राउंड फ्लोर पे तो नहीं जाना क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे नॉर्मल कैसीनो है। ओके गाइस, तो यहाँ पर अपनी लिफ्ट जो है अभी हमें ग्राउंड फ्लोर पर लेकर आ चुकी है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर तो नॉर्मल कैसीनो आगे आप देख पा रहे हो, आगे जाकर कैसीनो का दिखा रहा है। तो अभी हम ना थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पर ना एक ऑफिस टाइप एरिया आ गया, जो कि मैंने ना लास्ट टाइम भी देखा था शायद जब मैं कैसीनो में आया था। और यहाँ पर मैंने एक बहुत ही सही स्टन गन लेकर आ रखा हूँ, कोई भी बंदा आएगा ना मैं उसे झटके से बेहोश कर दूंगा। अब इससे क्या होगा ना, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है उनको पता नहीं चलेगा कि फायरिंग हुई है। तो ये एक सामने कैमरा है, इसको भी डिसेबल करते हैं। देखो भाई कैमरे में करंट सा लग गया पूरा और कैमरा डिसेबल हो गया। और ये
देखो भाई सब यहाँ पर अब गोली चलानी पड़ेगी यार जल्दबाजी में। शिट, अब यहाँ पर सायरन बजेगा, सिक्योरिटी गार्ड वालों को पता चलेगा कि भाई अटैक हो चुका है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और वो सारे के सारे हम पे भड़केंगे। लेकिन अपने साथ ड्राइवर है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अभी फटाफट से आगे की तरफ में चलते, आगे चल क्या रहा है मेरे को तो ये देखना पड़ेगा। और भाई ये क्या, अरे अरे ये कहाँ से निकल गया तेरी, ऐसी कितनी मारिश के पेट में गोली, बेचारा गेट में अड़ गया भाई, मैंने गेट खुलने नहीं दिया। ये देखो इसको, देखो चपरासी को, भाई साहब जी का मैंने गेट ही पूरा नहीं खुलने दिया, इतनी गंदी मौत आई है उसकी। ओके तो पीछे से बदमाश बन रहे हो तुम, अभी रुक जाओ बेटा बता दो, इसको तो वहीं जाके मारूंगा। वो भाई सब कह रहे छुप छुप के मार रहा है, इधर आइयो बदमाश बनेगा, एक एक हाथ निकाल के गोलियां मार रहा है। चलो गाइज इसके भी मैंने अभी बजा दिया काफी खतरनाक वाली। और यहाँ पर ना अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, इस टाइम हम बेसमेंट में आ चुके हैं, या फिर आगे से ना बेसमेंट का रास्ता हमें मिल जाएगा। वो भाई कितने सिक्योरिटी गार्ड है अंदर, एक बार में कोई बताएगा? एक के बाद एक बंदा आए जा रहा है, आए जा रहा है भाई, रेल लगा रखी है इन्होंने तो। ओके तो अभी आगे ओ भाई साहब ये देखो, ये पता नहीं कहाँ से टपका था, जो भी हो ये बंदा पता नहीं कहाँ से आया, मुझे नहीं मालूम। अभी और आगे चलते हैं और यहाँ पर ये, अरे ये अंदर कौन है भाई साहब, कितने सिक्योरिटी गार्ड भर रखे हैं यार। लास्ट टाइम जो हमने डायमंड कैसीनो में रोबरी करी थी ना, वो काफ़ी तगड़े तरीके से करी थी, मतलब उस टाइम इतनी तगड़ी सिक्योरिटी नहीं थी। लेकिन ये जो अपना फ्रेंड है ना, मतलब जो माइकल का दोस्त है, जो सेकंड ओनर है यहाँ का, तो भाई उसने बहुत तगड़ी सिक्योरिटी कर दिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको भी मारूंगा मैं। तो भाई उसने पहली बात तो हमसे झूठ बोला, जो कि माइकल का दोस्त था, कि भाई मेरे को डायमंड कैसीनो चाहिए, उन्होंने लॉस करवा दिया, वो सब कुछ झूठ ही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब की वो हरकतें कर रहा है उससे लग रहा है। तो अभी उसको भी हमें मारना पड़ेगा। और इस टाइम हम लोडिंग एरिया में आ चुके हैं, और भाई कितना ज़्यादा बेसमेंट में जाना पड़ेगा हमें। ये देखो भाई ये आ गई हमारी शायद से बेसमेंट 1B1 से कुछ है, चल कर देखते हैं आगे। और यहाँ पर ये क्या है भाई, हेलो, अरे अरे यहाँ पर तो सोफे वोफे लगे हुए मीटिंग के लिए। और आगे चलकर देखते हैं भाई, यहाँ पर ना सारा का सारा लोडिंग एरिया शायद से, ओ भाई साहब सामने के शीशे टूट जा रहे हैं भाई साहब, गेट के इतने बंदे आ रहे हैं वहाँ पर से, अंदर कंफर्म कुछ ना कुछ तगड़े हैं। अब मुझे लग रहा है कि भाई जो अंदर, मतलब कि जो भी इनका पैसा हो सारा सारा अंदर ही रखा। और इसको देखो बेचारा मैनेजर भी हमारे यहाँ तो मारा गया। और ये लाल कपड़े वाले कहाँ कहाँ से भगभग के आ रहे हुए हैं, पता नहीं कुछ गोली वोली चलानी आती नहीं है, भाग भाग के आ जाते हैं। तो यार देखते ही देखते इस बंदे ने डायमंड कैसीनो के बेसमेंट में इतना कुछ बना लिया ना, कि यार विश्वास भी नहीं हो रहा, एक बार को लग भी नहीं रहा कि हमें डायमंड कैसीनो में इतना कुछ हो सकता है। अब यहाँ पर ना हमें दो पासवर्ड लगाने पड़ेंगे, ये वाला गेट खोलने को, तो पीछे से कौन आ गया, एक से मारो मारो मारो, उसको छोड़ना नहीं भाई, किसी को नहीं छोड़ना, शीशा टूटे कुछ भी टूटे बंदा मार रहा भाई अभी। ओके तो यहाँ पर ये जो टनल थी ये खुल चुकी है, लेकिन यार एक टनल कहाँ जा रही है, डायमंड कैसीनो की बेसमेंट में टनल कुछ एकदम हजम से नहीं हो रही है बात, मतलब कि कुछ अजीब सा इन्होंने डायमंड कैसीनो की बेसमेंट में बना रखा है। आप कहीं आगे जाकर पता चले कि हाँ भाई ये लोग भी वायरस बना रहे हैं, मतलब अभी जितनी भी गेम खेले ना सब में घूम फिर आके कहीं ना कहीं से वायरस ही आ जा रहा है। लेकिन यार यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं होगा, क्योंकि डायमंड कैसीनो का मालिक बहुत तेज फिल्म है, वो कुछ तगड़ा ही कर रहा होगा। और आगे ये गेट है क्या है मेरे को समझ, हाँ नॉर्मल गेट है। ओके तो भाई सब सेंसर वाला गेट था, काफी टाइम पहले खुल गया। वो भाई यहाँ पर इतना बड़ा गेट ऐसे कैसे खुलेंगे, बॉम्ब प्लांट करना पड़ेगा बाकी। ओके तो यहाँ पर हमें लेस्टर ने एक मशीन दी थी, ड्रिल मशीन दी थी भाई साहब, अब ड्रिल मशीन से हम इजिली गेट खोल सकते हैं भाई, लेस्टर कसम से बहुत ही गजब चीज है। अब यहाँ पर हमें एकदम तमीज से खोलना पड़ेगा, अगर हम इसको एकदम पूरा कंटिन्यूअसली रोल करके रखेंगे, यानी कि ड्रिल करके रखेंगे, तो इसकी जो रोड है ना आगे वाली वो ओवरहीट होकर टूट जाएगी। तो भी हमें एकदम तमीज में से पूरा का पूरा छेद कर करके सारे के सारे लॉक खोलने हैं। तो चलो गाइस अभी सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट प्लेट रह गई है, इसको मेरे को तोड़ने का ना मस्त तरीका पता चल गया। ओके तो यहाँ पर लास्ट वाली प्लेट भी मैंने तोड़ दिया, अभी बस अंदर चलकर देखना है क्या सीन है। और यहाँ पर अगर ये मान लो कि मैं ओवरहीट होकर उसकी रोड तोड़ देता तो क्या सीन होता, हम अंदर कैसे एंटर होते हो भाई साहब, कितना आलीशान और कितना भारी। गोल्ड का नहीं लग रहा है तुम्हें? मुझे तो यार ये गोल्ड का लग रहा है। ओके तो यहाँ पर बहुत ही तगड़ा सीन है भाई, विश्वास ही नहीं हो रहा है मेरे को, तो कितनी तगड़ी जगह इन्होंने बना रखी है। और यहाँ पर ना पैसा भी थोड़ा कम ही नजर आ रहा है। ओ भाई ये रहा पैसा, इसे उठाना शुरू कर देते हैं। मतलब यार मैंने सुना था ना कि डायमंड कैसीनो में डायमंड भी कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, तो उसे और कभी ढूंढ लेंगे। अभी फिलहाल जितना पैसा निकलता है इसे नॉर्मली निकाल लेते हैं। मेन अभी हमें ना इनका थोड़ा सा नुकसान करवाने के लिए आना था, ताकि ये लोग जो है ना टेररिस्ट को पेमेंट ना कर पाए। भाई साहब यार एक ही टेबल पे कितना पैसा है, $5,00,000 हो गया। अब बस ये जो कैश है ना काश हमारे पास ही रहे, कहीं ऐसा ना हो लेस्टर बोले कि लाओ भाई जितना भी पैसा यहाँ पर आया मुझे दे दो फटाफट से। अब यहाँ पर लेस्टर मांगेगा तो मैं उसे दे दूँगा, क्योंकि यार वो अपना जिगरी दोस्त है, उससे कोई भी चीटिंग नहीं करनी। अभी फटाफट ना आगे चलकर देखते हैं, काफ़ी सारे जो मतलब कि यहाँ पर ना भी इसके अंदर भी बहुत सारे रूम बने हुए हैं, जिसके अंदर डायमंड पड़ा है, गोल्ड पड़ा है और भी बहुत सारा कैश पड़ा है। लेकिन वो अनलॉक कैसे होंगे वो मुझे नहीं मालूम। तो यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत अगर इनका नुकसान करवा देंगे ना, तो शायद से ये लोग टेररिस्ट
इसको पेमेंट देने में थोड़ा सा डरेंगे, लेकिन आज हमें इनका काफी नुकसान करा के ही जाना है। तो गाइस यहाँ पर इस वाले टेबल पे जितना भी पैसा पड़ा था मैंने सारा का सारा लूट लिया और ऑलमोस्ट 1 मिलियन, ऑलमोस्ट नहीं, पूरे 1 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा ही हो गए हैं। अब यहाँ पर 1 मिलियन मैंने लूटे हैं, थोड़े बहुत ट्रैवर ने भी लूटे होंगे, शायद से 1 मिलियन का पता उसने ज्यादा ही लपेट लिया हो। अभी फटाफट ना मैं यहाँ से एग्जिट होना है, क्योंकि यहाँ पर सीधा कह रहा है लेस्टर, कह रहा है कि अभी तुम फंस सकते हो, पुलिस जो है आ गई है, तुमने लूटने में काफी ज्यादा देर कर दी है। तो यहाँ पर अभी चलकर देखते हैं क्या सीन है, कोई नहीं, पुलिस वालों से भिड़ लेंगे, हमें किसी का डर नहीं है, ट्रैवर अपने साथ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ट्रैवर बहुत खतरनाक, टेररिस्ट का भी बाप है भाई ये। अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं। और ये जो टनल है ना भाई, कितनी ज्यादा अच्छी बना रखी है, इतनी लंबी टनल है, सोचो भाई मतलब डायमंड कैसीनो वालों ने कितना दिमाग लगाया अपने पैसे को सेव करने के लिए। ओके, तो गाइस लग रहा है हमारे पीछे पुलिस पड़ चुकी है, बहुत खतरनाक वाली। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी हमारा फेस रिवील नहीं हुआ है, अगर हमारा फेस रिवील नहीं होगा तो हम सेफ है, और जहां एक बार भी फेस रिवील हो गया तो मौत पक्की है भाई, पुलिस हाथ धो के पीछे पड़ जाएगी। और ये देखो अबे यहां करने क्या आए हो, मेरे को तुम ये बताओ, तुम्हें जब पता है तुम्हारे बस की नहीं है, एक गोली इनसे चलाई नहीं जाती, आके मुंह खड़ लेकर खड़े रहते हैं और एक गोली मारते हैं और मर जाते हैं। ओके, तो यहां पर भी पुलिस वाला तो कोई भी नहीं दिख रहा है, सामने से इन्हीं की जो सिक्योरिटी है डायमंड कैसीनो की वही आया जा रही है, भाग भाग के तो उन्हीं की गोली बजाते हैं। तो चलो गाइस यहाँ पर अभी मैंने इस बंदे को भी फोड़ दिया है, अब हमें यहाँ से निकलना है कैसे वो मुझे देखना पड़ेगा। तो लास्ट टाइम हम दूसरे, अरे इसी एरिया से, अबे इसी डोर से आया था मैं शायद, जहाँ तक मुझे याद है, नहीं यहाँ से नहीं आए थे। तो यहाँ पर इसे हमें क्रैक करना पड़ेगा। और ये देखो भाई साहब, हमें पूरा का पूरा लेस्टर ने बता कर दिया, देखो ये लेस्टर की एप्लीकेशन है, इसके थ्रू हम भाई कोई भी लॉक्स होते हैं उसे क्रैक कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो अभी नहीं, अपने पास है टोटल 3 मिनट्स है और उसे क्रैक करना है। तो चलो गाइस यहाँ पर अभी ये वाला जो गेट है वो खुल गया, तो अभी फटाफट से ऊपर चलकर देखते हैं। यहाँ पर भी एक सीसीटीवी लगा हुआ था यार, मैंने इसे फोड़ा नहीं, काश फोड़ देते तो शायद से ना इतनी सारी सिक्योरिटी नहीं आती। बाकी अगर सीसीटीवी ने हमें देख लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा तो फेस ढका हुआ है, कोई दिक्कत आनी नहीं है। अब हाँ यार ये है कि जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है उन्हें हमारी करेक्ट लोकेशन पता चल गई है, और यहाँ पर हमारे पीछे काफी ज्यादा पुलिस नहीं पड़ गई भाई, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है यहाँ से निकलेंगे कैसे। एक तो डायमंड कैसीनो की इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, उसके बाद बाहर पुलिस वालों के हेलीकॉप्टर, पैंजर्स, इतने सारे मतलब कि व्हीकल ही व्हीकल खड़े होंगे, रोड ब्लॉक होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो चलो गाइस यहाँ पर भी शायद से ये वाला जो डोर है ना सीधा एग्जिट करा देगा हमें डायमंड कैसीनो से, जहाँ तक मुझे लग रहा है हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। और अभी मेरे पास टोटल 1 मिलियन डॉलर है, ऑलमोस्ट 1 मिलियन है, थोड़ा बहुत ना पैसा गिर जाता है, अगर हम फाइट लेंगे पैसा गिर जाएगा। और ये इतनी सारी पुलिस, मुझे लग रहा था कि लेस्टर ने कुछ गाड़ी भेजी होगी हमें बचाने के लिए, लेकिन ये तो बहुत सारी पुलिस आ गई। अब यहाँ से कैसे एग्जिट होऊंगा भाई, यहाँ पर ना सामने की तरफ नहीं है, अंदाजा लगा लगा के अगर मैं 10-15 पुलिस वालों को भी नॉकडाउन कर देता हूँ, 10-15 ऑफिसर्स को, तो अपने लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा यहाँ से निकलना। तो सामने की तरफ में जो पुलिस वाले थे भाई, ट्रैवर ने उन्हें चुटकियों में ढेर कर दिया है, लेकिन अभी थोड़े बहुत पुलिस वाले ना लेफ्ट की तरफ में, जो कि मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ से बाहर जाने देंगे। अगर कोई गाड़ी यहाँ पर से हमें मिल जाती ना तो बहुत ही बढ़िया हो जाता, यहाँ सीधा गाड़ी लेकर भाग जाते, क्या पता ट्रैवर कोई गाड़ी ढूंढ के लाए। ये देखो भाई इतनी दूर से हमें मार रहा है, मतलब कि क्यों बदमाश बन रहे हो, जब तुम्हें पता है तुम्हारे बस की नहीं है हमसे भिड़ना, इतनी बारी पिट कर जाती है तुम्हारी पूरी की पूरी टीम, लेकिन फिर भी पंगे लेने आने ही है, कोई दिक्कत नहीं, इनको भी आदत डालनी पड़ेगी हमसे पंगा नहीं लेना है। चलो अभी फटाफट चलते हैं आगे की तरफ में। और यहाँ पर ना अभी तक मुझे कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं मिली है जो कि यार हमें एकदम सेफ रखे। तो यार अब तो हम काफ़ी ज़्यादा बाहर आ गए, और यहाँ पर LSPD भी आ गई है भाई, जो कि मेरे को नहीं लगता हमें छोड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है दिक्कत क्या, हमारे सामने पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है। ओ भाई ऊपर से हेलीकॉप्टर्स भी आ रहे हैं, और मैं बीच रोड में निकल हेलीकॉप्टर वाले मर जाओ भाई, मेरा कितना पैसा भी गिर रहा है। अब ये लोग मेरे जितने भी बुलेट मेरे बैग पे मारेंगे ना, मेरा उतना पैसा भी गिरेगा, तो यार ये बहुत ही बड़ी गड़बड़ की बात है। और सामने पार्किंग है क्या, तो यार अभी ना समझ नहीं आ रहा यार, जितने भी गाड़ियां वो मेन रोड पर ना पुलिस वालों की जा रही है, तो अभी मेरे को पुलिस वालों की कार। ओके, तो गाइस अभी मैं एक पार्किंग में पहुंच चुका हूं, और यहां पर ना काफी सारी नॉर्मल कार्स खड़ी है। तो चलो भाई, तो गाइस अभी ना मैंने पार्किंग से जो है गाड़ी तो चुरा ली है, अब यहाँ पर इस गाड़ी को लेकर मैं सीधा भगा रहा हूँ। अगर हमारी कार एक जगह पे ठुकती है तो यार बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, मतलब यार पुलिस वाले बहुत ज़्यादा दबा के हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और अगर कार ठुक गई, वैसे भी कार का जो हेल्थ है मेरे हिसाब से बहुत कम ही होगा, इस कार का एकदम नॉर्मल सी कार है, और पुलिस वाले 4-5 गोलियां मारेंगे तो धुआं निकलेगा और फूटेगी गाड़ी, और मैं ही मर जाऊंगा भाई, और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर भी फटाफट भगाते हैं पुलिस वालों से, फटाफट से पीछे छुड़ाना है। तो चलो गाइस फाइनली इतनी देर तक अपनी कार को भगाने के बाद मैंने पुलिस वालों से पीछा छुड़ा लिया है। अभी फटाफट से ना मैं एक बहुत ज़्यादा सीक्रेट लोकेशन पर आ रखा हूँ, मतलब कि ना यहाँ पर ट्रेन के ट्रैक्स हैं, अब यहीं से ना हमारी जो लोकेशन है जहाँ पर हमने अपनी लैम्बोर्गिनी टेरेज़ो खड़ी करी थी ना, वहीं का रास्ता है। अब प्लान आगे का क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेस्टर ने बोला था जो भी गाड़ी वहाँ से, मतलब कि जो जितना भी पैसा है तुम्हें सारा का सारा एक गाड़ी में रखना है, और गाड़ी लेकर मेरे पास छोड़ देनी है, मतलब कि ये जो कार है अभी लेस्टर लेकर यहाँ से निकल जाएगा, और अपनी लैम्बोर्गिनी टेरेज़ो हम लेकर निकल जाएंगे, और
जो बाकी पैसा है वो बाद में आपस में बट जाएगा कि हाँ भाई किसको कितना देगा, वो लेस्टर अपने हिसाब से देगा। अभी फटाफट चलते हैं भाई। लेस्टर जी कहाँ पर हो आप एक बार मेरे को बताओ तो, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं रास्ता ही भूल गया यार इस एरिया का। ओके तो गाइस सामने था वो रास्ता, हाँ अब मेरे को याद आ गया, मतलब कि मैं काफ़ी ज़्यादा आगे की तरफ में चला गया था रॉन्ग वे। और यहाँ पर अपनी लैम्बोर्गिनी टैरोज़ो खड़ी हुई है। अभी फटाफट से ना हमें कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है, फटाफट से ये वाली जो कार है मैं यहाँ पर पार्क करता हूँ। तो देखो भाई सामने लेस्टर छुपा हुआ था, अब लेस्टर उस कार में जाएगा, मैं इस कार में जाऊँगा। और यहाँ पर ना मैंने अभी उस वाली गाड़ी में ना एक ही बैग छोड़ा है, एक बैग मैं अपने पास ही रख रहा हूँ क्योंकि मुझे देखना है भाई कि हाँ भाई मेरे वाले बैग में कितना पैसा था टोटल और उस वाले बैग में जितना पैसा होगा आपस में बांट लेंगे। मतलब कि थोड़ा ज़्यादा पैसा इस टाइम मेरे को चाहिए भाई, शोरूम का चल रहा है तो मैं लेस्टर को समझा दूँगा कि भाई इस टाइम पैसों की जरूरत थी तो वो कोई कुछ नहीं कहेगा। अभी यहाँ पर लेस्टर को एक बार देख लेता हूँ, पुलिस वुलिस ना आ जाए ना उसके पीछे, वैसे वो बेचारा अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। एक बार लेस्टर को निकलने देते हैं क्योंकि यार अभी हमने एकदम सेफ हो चुके हैं, हमने अपनी गाड़ी भी बदल ली है और सब कुछ एकदम चेंज हो गया, तो शायद पुलिस वाले हमारे पीछे नहीं आएंगे। तो लेस्टर के पीछे भी नहीं आ रहे, चलो सही है। अब लेस्टर अपना घर निकलने का, यहाँ से हम लोग अपने घर निकल लेते भाई। सच्ची बता रहा हूँ बहुत ही तगड़ा सीन था भाई आज का भी, एकदम मजा सा आ गया। तो भाई अभी फटाफट से गाड़ी लेकर मैं अपने घर पर नहीं जाने वाला, मैं जाऊँगा फ्रैंकलिन के घर पर क्योंकि मुझे इस टाइम पर लग रहा है मेरा घर मेरे लिए सेफ नहीं है भाई, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो चलो गाइस अभी मैं गाड़ी लेकर पहुंचने वाला हूँ फ्रैंकलिन के घर पर। और एक तो ना मैं ये फ्रैंकलिन के घर का रास्ता जो है ना हमेशा भूल जाता हूँ, मतलब कि कोई ना कोई ना ऐसी गलत गली पकड़ लेता हूँ और फ्लो फ्लो में गाड़ी चलाता हूँ, एकदम ही रॉन्ग वे चले जाता हूँ। अभी यहाँ पर एकदम सही आ रहा हूँ, पूरा मैप में गूगल मैप्स में लगा कर जा रहा हूँ इसलिए एकदम परफेक्ट जाऊँगा। और यहाँ पर भाई अपनी गाड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चल रही है। अभी फटाफट से अपनी कार को जो है हमें, अबे कहाँ चला गया भाई इसका घर, मेरे को लग रहा था पीछे वाला। ओके तो वो ऊपर जाकर है भाई, एकदम ही मस्त जगह इसने घर लिया, बस ये है कि पतली सी गली है। अब यहाँ पर फटाफट अपनी कार को यहीं पर खड़ा कर देते हैं, अंदर चलते हैं थोड़ी देर चिल मारेंगे। और यहाँ पर ना थोड़ी बहुत डिस्कशन भी करनी है बेलास गैंग से रिलेटेड, मतलब कि बेलास वाले ना कुछ ज़्यादा ही पंगे ले रहे हैं। अब उनसे लड़ाई तो थी, मैंने सोचा था उन्हें मारेंगे लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो यार बच्चे हैं खाली पीली बहुत ही बुरी मौत हमसे मारे जाएंगे, तो इस वजह से मैंने उन्हें छोड़ दिया था। लेकिन अब जो उनकी हरकतें हैं ना भाई वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी, तो वो बहुत ज्यादा ही पिटने वाले हैं। और अभी हम फ्रैंकलिन के घर पर आए हैं लेकिन फ्रैंकलिन कहीं पर नहीं दिख रहा, तो शायद ना आज वो कहीं घूमने गया होगा यार, मेरे को लग रहा है वो अपने पुराने वाले घर पर ना चला गया हो। कोई दिक्कत नहीं है, गया होगा तो कॉल करके बुला लेंगे, 15 मिनट में आ जाएगा, पास में ही है घर। अब यहाँ पर फटाफट नीचे चलकर बैठते हैं थोड़ी देर। आज रात जो है हम लोग फ्रैंकलिन के घर पर ही रुकने वाले हैं क्योंकि भाई आपको पता ही हमारा घर जो शायद से इस टाइम पर सेफ नहीं है क्योंकि ट्रेवर और मैंने भाई बेलास गैंग वालों को बहुत ज्यादा परेशान करा, बहुत ज्यादा मारा है, तो बेलास गैंग वाले हो सकता है कभी भी अगर बदला ले ले, इसलिए फ्रैंकलिन का घर उन्हें नहीं पता, इसलिए यहां पर मैं आके रुका हूं। अभी फटाफट यहां पर अपना आराम से बैठते चिल मारेंगे थोड़ी देर। तो भाई देखो अभी एकदम सब कुछ ठीक है लेकिन ये ट्रैवर को देखो भाई, ट्रैवर का पहला कहना है कि मेरे को बेलास गैंग वालों से बदला लेना है लेकिन इसकी हरकतें देख के तुम डर जाओगे, ये फ्रैंकलिन से पिटेगा सबसे पहले। मतलब कि एक तो हम दोनों बिना बताए फ्रैंकलिन घर में एंटर हो गए और ये भाई साहब पूरा अपने उसके बेड पे जूते वूते पहन के आराम से फुल सो रहा है। और यहाँ पर एक काम करता हूँ ना, फ्रैंकलिन को कॉल करके बुला लेता हूँ यहीं पर, भी फ्रैंकलिन ही आगे से कूटेगा। तो भाई अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो पर एम करते हैं ओनली 2 लाख लाइक के लिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग कंप्लीट कर दोगे। और गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और जिस किसी को भी मेरे से बात करनी है डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।